Dear Automotive Service Technicians, a very warm welcome to your Automotive Offline class. We are studying 6th unit and in this we have started first session, Importance to Vehicle Maintenance and Servicing. Today we will continue with the vehicle maintenance, what are the regular and periodic checkups which we need for the vehicle, proper maintenance of a vehicle. So let's get started. इन आर लास्ट वीडियो वी केम टू नो कि जब भी हम कोई प्लान करेंगे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का तो हमें अपनी व्हीकल को पूरा मेंटेनेंस चेकअप के लिए भेजना होता है. उसमें इंजन ऑयल चेक करना पड़ता है, उसमें कूलेंट लेवल चेक करनी पड़ती है, एयर कंडीशनिंग चेक करनी पड़ती है, उसमें हमें टायर्स चेक करने पड़ते हैं, टायर प्रेशर्स, बेल्ट्स चेक करने पड़ते हैं. ये सारा जब हम ओवरऑल व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल सर्विसिंग के लिए देखना चाहें तब हम ये चीजें चेक करते हैं. और व्हीकल मेंटेनेंस यूजुअली एक सर्विस सेंटर पे होती है. सो इन दिस फिगर यू आर सीइंग अ सर्विस सेंटर वेयर व्हीकल मेंटेनेंस इज जनरली डन. This is a service center. Vehicle maintenance is generally done at a near vehicle service center. You could make a visit to a nearby vehicle service center to see how a vehicle is maintained and what all checks are carried out by service mechanic. Some important checkups are discussed here. हमने कल भी देखा ब्रीफली कि क्या क्या चेकअप्स होते हैं ड्यूरिंग व्हीकल मेंटेनेंस. तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था हम इंजन ऑयल लेवल्स चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. हम देखते हैं इंजन ऑयल मोबलेल कहाँ पे पहुंचा है, कितना कम है इंजन में और हम वापस उसको रिफिल करते हैं. तो इंजन ऑयल बहुत ही जरूरी होता है एक इंजन के लिए. वो क्यों वो हम अभी पढ़ेंगे. सबसे पहला चेकअप जो आता है इसमें डेट इज चेक और टॉप अप ऑल व्हीकल्स ऑयल लेवल्स. हर एक व्हीकल की हम पहले ही ऑयल लेवल को टॉपिंग लेवल तक पहुंचाते हैं, टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं. हमें जरूरी होता है इंजन ऑयल एक व्हीकल के लिए क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ल्यूब्रिकेशन होती है इंजन की. ल्यूब्रिकेशन से वो एक्ट करता है एज अ ल्यूब्रिकेंट, इट एब्जॉर्ब्स हीट. तो उससे क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंजन जो है वो ओवरहीट नहीं होते हैं, वो इफेक्टिवली काम करते हैं. इसलिए हमें इंजन ऑयल को टाइम टू टाइम चेक करना होता है, उसको बिल्कुल इंजन में प्रॉपरली फिल्ड रखना होता है क्योंकि इंजन कंटिन्यूस, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जा रहे हैं तो इंजन कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में है और वहां ज्यादा हीट हो जाते हैं इंटरनल पार्ट्स. तो वो ओवरहीटिंग ओवरकम करने के लिए हमें एक ल्यूब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है और जो फंक्शन हमें एक इंजन ऑयल से मिलती है. सो सर्विस मैकेनिक विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग स्टिक, दिस इज अ मेजरिंग स्टिक, चेक्स द इंजन ऑयल, coolant, brake oil and water. During routine checkup, oil, water and coolants are topped up or otherwise they are changed. इंजन ऑयल के साथ साथ हम कूलेंट्स भी चेक करते हैं, हम ब्रेक ऑयल भी चेक करते हैं और वाटर जो यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट हमारी बैटरी के लिए, इंजन की बैटरी के लिए, वो भी उनकी लेवल्स भी हम चेक करते हैं. और ये सारे इन लिक्विड्स की लेवल हमें रखनी होती है टॉप तक, ताकि या फिर चेंज करनी पड़ती है विद टाइम ताकि इंजन की ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो मेंटेनेंस के लिए. हमारे इंजन मेंटेनेंस के, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए हम ये चीजें चेक करते हैं. नेक्स्ट जो है दैट व्हाट वी चेक फॉर ड्यूरिंग व्हीकल मेंटेनेंस दैट इज बेल्ट चेकअप. हमारे इंजन में जो बेल्ट्स होते हैं वो ड्राइव बेल्ट्स भी हमें उनको कहते हैं. ये जरूरी होते हैं एक इंजन में. क्यों? क्योंकि ये पावर देते हैं इंजन से, जो हमें वर्किंग स्ट्रोक के दौरान पावर मिलता है ये वो पावर हमारे एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर तक पहुंचाते हैं, हमारे पावर स्टीयरिंग पंप तक पहुंचाते हैं, कूलिंग फैन तक पहुंचाते हैं या एयर इंजेक्शन पंप तक भी पहुंचाते हैं. तो इन बेल्ट्स का अपना एक फंक्शन होता है, ये ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं. अब अगर व्हीकल का बेल्ट टूट गया तो ये सारे पार्ट्स काम करना बंद करेंगे और हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा. इसलिए बेल्ट्स को भी रेगुलरली चेक करना होता है कि कहीं वो लूज तो नहीं है या कट तो नहीं गए हैं, देन इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड इमिडिएटली. नेक्स्ट इज बैटरी. बैटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ व्हीकल, इट शुड बी चेक्ड
रेगुलरली। बैटरी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टिल्ड वाटर जो हम यूज करते हैं बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो प्रॉपर कंडक्शन में हेल्प करता है, इज चेक्ड बाय रिमूविंग द बैटरी कैप्स एंड लुकिंग इनसाइड। इफ द लेवल इज लो, इट्स टॉप्ड अप विद डिस्टिल्ड वाटर। Nowadays batteries are maintenance free, which means they have sealed caps and require no checking. But some batteries, though said to be maintenance free, do have removable caps. These should be checked in the usual manner. बैटरी में कैप्स है रिमूवेबल जो हम रिमूव कर सकते हैं और वहीं से हम इलेक्ट्रोलाइट पोर इन करते हैं। आजकल जो बैटरीज आती है वो मेंटेनेंस फ्री होती है, उनकी कैप सील्ड होती हैं और उनमें कोई चेकिंग की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट यूजुअली जो हमारे इंजन्स में व्हीकल्स में जो इंजन्स हैं उनकी बैटरीज की रिमूवेबल कैप्स होती है जहां से हम इलेक्ट्रोलाइट को पोर इन करते हैं। नाउ ब्रेक्स। ब्रेक आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इंजन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो द सर्विस मैकेनिक चेक्स द ब्रेक बाय पुशिंग द पैडल। इफ देयर इज नीड ऑफ सर्विसिंग, द सर्विस मैकेनिक इन्फॉर्म्स द कस्टमर अकॉर्डिंगली। ब्रेक हम पैडल से ही, सर्विस मैकेनिक पैडल से ही जान लेता है कि इसकी ब्रेक सही है व्हीकल की या नहीं। अगर उसे लगता है कि हाँ इसमें इंस्टेंट ब्रेक्स लगती हैं या ब्रेक को लगाने में ज्यादा एफर्ट लगता है, तो तब वो अकॉर्डिंगली कस्टमर को इन्फॉर्म करता है कि आपके व्हीकल की ब्रेक्स चेंज करानी है। नेक्स्ट इज द कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन देता है एक इंजन में। वो क्या कि जब इंजन कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में होता है तो एक कूलेंट की जरूरत पड़ती है, वो एक्सेस हीट रिमूव करता है फ्रॉम द इंजन और ये इंजन को प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे मेंटेन करता है कि किस टेम्परेचर पे ये इफिशियंटली वर्क करे। उसके लिए कूलेंट का होना बहुत जरूरी है। द टेक्नीशियन चेक्स द कूलिंग सिस्टम बाय टॉपिंग अप द कूलेंट। द कूलिंग सिस्टम शुड बी रिफिल्ड विद द करेक्ट कूलेंट एंड नॉट विद वाटर अलोन। हमें गाड़ी में एक परफेक्ट एक करेक्ट कूलेंट की जरूरत होती है और कूलिंग सिस्टम को यूजुअली हम रिफिल करते हैं विद द करेक्ट कूलेंट। खाली पानी से काम नहीं चलता है क्योंकि इसको अंदर बहुत फंक्शंस देने होते हैं एक इंजन को। उसकी एक्सेस हीट रिमूव करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। इंजन एक प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे मेंटेन रहे उसके लिए भी कूलेंट लगता है। तो इसलिए कूलेंट की लेवल चेक करना टाइम टू टाइम भी मेंटेनेंस में आ जाता है। नेक्स्ट इज एयर कंडीशनिंग। द सर्विस मैकेनिक चेक्स कूलिंग एंड हीटिंग बाय एग्जामिनिंग इफ द एयर फ्लो इज कमिंग फ्रॉम ऑल ऑपरेट अप्रोप्रिएट वेंट्स। गाड़ी में वेंट्स लगे होते हैं जहां से एयर फ्लो चलता है, तो मेंटेनेंस के दौरान वो सर्विस मैकेनिक ये भी चेक करता है कि हर वेंट से एयर आता है या नहीं। वो चेक करता है कूलिंग एंड हीटिंग एयर फ्लो के मोशन से, उसके मूवमेंट से, एयर के फ्लो से। नाउ टायर्स। द मैकेनिक एट द सर्विस स्टेशन examines the tires by checking correct tire pressure and also checks whether there is any external damage to the tires. Tires पे ही गाड़ी का लोड लगा होता है तो टायर्स को एक प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है। वो भी चेक करते हैं सर्विस स्टेशन पे कि टायर्स का प्रेशर अप्रोप्रिएट है, कहीं ये कोई एक्सटर्नल डैमेज तो नहीं हुआ है टायर्स को, देन वी नीड टू गो फॉर रिप्लेसमेंट। सो दीज आर द स्टेप्स वी नीड टू गो फॉर चेकअप्स जब भी हम एयर व्हीकल मेंटेनेंस के लिए जाएं। सो इन स्टेप्स को हमें मद्देनजर रख के चेकअप्स करने होते हैं एक व्हीकल के अंदर। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।